Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says three particles of masses 1 kilogram, 2 kilogram and 3 kilogram are placed on the corners ABC respectively of an equilateral triangle ABC of edge 1 meter. Locate the center of mass of the system. Fine. So is tarah se hamare paas ek equilateral triangle hai. Side of the triangle is given 1 meter. Is tarah se ye 1 meter hai. Right? एंड लेट्स से ये ए है, ये बी है और ये सी है. सो ए पे रखा हुआ है 1 किलोग्राम, बी पर रखा हुआ है 2 किलोग्राम एंड सी पर रखा हुआ है 3 किलोग्राम. सो यू हैव टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो लोकेशन किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं? वी कैन डिफाइन द एक्सेस, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस डिफाइन कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस. ये आपका एक्स एक्सेस हो गया और ये वाई एक्सेस हो गया और ये ओरिजिन हो गया जहाँ पर आपका पार्टिकल ए रखा हुआ है, राइट, मास ए रखा हुआ है. That is 0, 0. So पहले हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं तीनों पार्टिकल के, राइट, फाइन. सो देखो पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? 1 मीटर, मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 1 एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0. अब सी की बात करते हैं. सो सी के लिए देखो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, राइट. सो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? दिस विल बी 1 का कॉस 60. देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट, ये राइट एंगल ट्रायंगल है. सो ये 1 का कॉस 60, 1 का कॉस 60 विच इज़ 1/2. और ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? ये वाली डिस्टेंस, दैट विल बी 1 का साइन 60, दैट इज़ √3/2. सो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया? दैट इज 1/2. और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? √3/2. नाउ वी नो द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द थ्री पार्टिकल्स, सो वी कैन इजिली फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम. So x coordinate of center of mass will be m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divided by m1 plus m2 plus m3, right? Nothing but summation of mi xi divided by summation of mi. Why likha hai maine? So m1, that is 1 kilogram, x coordinate 0, plus m2 is 2 kilogram, x coordinate kitna hai 1, plus m3 kitna hai 3 kilogram. और x कोऑर्डिनेट कितना है? 1/2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, मींस 1 प्लस 2 प्लस 3. सो इसे सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है ये? 2 3.5 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज नथिंग बट 7/12, है ना. अब y कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं, सो वैसे ही निकालेंगे, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3. सो चेक करो, m1 इज 1, y कोऑर्डिनेट इज 0, प्लस m2 इज 2, y कोऑर्डिनेट कितना है? 0, राइट, प्लस m3 इज 3, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? √3/2 डिवाइडेड बाय 6, m1 प्लस m2 प्लस m3 विल बी 6. सो कितना आ रहा है? 3/2, सो √3/4, राइट. सो दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो इस तरह से इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा? x कोऑर्डिनेट विल बी 7/12. सो 7/12 मींस 1 से थोड़ा ज़्यादा, राइट, सो मींस हाफ से थोड़ा ज़्यादा, मींस इसके मिडिल पॉइंट से समथिंग हेयर यहाँ पे, और y कोऑर्डिनेट में यहाँ पर. सो यहाँ पे कहीं आपका सेंटर ऑफ मास होगा. अगर वो डिस्टेंस पूछता है तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स वी कैन इजिली फाइंड आउट, राइट, x1 y1 and x2 y2 के बीच में डिस्टेंस, जैसे 1 से ओरिजिन से, राइट, पार्टिकल ए से कितना डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास का. सो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स x1 y1 and x2 y2. फाइन. सो आई थिंक इट्स क्लियर. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, वी कैन डिस्कस फर्दर. ओके गाइस, कीप वर्किंग आउट, बेस्ट ऑफ लक, बाय.